डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने जो है बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला हमारे लिए। मतलब जैसे आपने अभी बताया कि क्वेश्चनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं भी मानता हूँ कि हर एक चीज पर जब तक हम क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। हम सीखने के लिए क्वेश्चन पुट अप करना बहुत जरूरी है। और कई मैंने डॉक्टर्स को देखा है कि मतलब जैसे मैं भी किसी के डॉक्टर के पास जाता हूँ और मुझे जैसे कुछ इशू है कहीं पर, मैं बताता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कहते तुम्हें कैसे पता तुम्हें ये प्रॉब्लम है, दे गेट इरिटेटेड कि मतलब तुम इंटरनेट पे देख के आए हो। सो आपके साथ भी ऐसे होता है? बहुत होता है, ये हर डॉक्टर के साथ होता है और हर डॉक्टर का अपना तरीका होता है ना उसको डील करने का, राइट। और वो धीरे धीरे आदमी अपना अपने समय के हिसाब से उस समय क्या उसका उसके स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसको कितनी जल्दी है, उसके हिसाब से उसको डील करता है। सो ये बुरी बात नहीं है कि पेशेंट इंटरनेट पे अपनी बीमारी सर्च करते हैं, बुरी बात ये है कि उनको ये नहीं आता कि कहाँ सर्च करें और उनको ये नहीं आता कि किसकी बात सुने। ये प्रॉब्लम है जो अभी एक नया चीज शुरू हुई है। वो एक सिंपल सी चीज, आज के डेट में अगर मुझे कुछ नई डिश बनानी है या बनवानी है या कुछ है तो इंटरनेट पे देख सकते आराम से पता। पहले जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, पहले जमाने में न्यूज़पेपर्स में इधर उधर किताबों में थोड़ा सा देख के लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन आज के डेट में यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन। द प्रॉब्लम इज यू नीड टू बी सिलेक्टिव कि भाई मैं कौन सी इन्फॉर्मेशन चूज करूँ और कहाँ पर अपना टाइम बिताऊँ। तो अगर कोई पेशेंट आता है हमारे पास कि मुझे ये बीमारी है सर, मैं कहा चलो बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा एक कई बार ऐसा भी होता है आपने कह दिया कि मेरा पेट फूला हुआ है तो पेशेंट के लिख देते हैं पेट में पानी भरा हुआ है, अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें पानी है ही नहीं, ठीक है तो असाइटिस है। सो हम ये कहते हैं कि अगर एक डॉक्टर ने भी अगर लिख दिया, डॉक्टर छोड़ो बड़े बड़े अस्पतालों ने भी अगर लिख दिया, एम्स ने आरएमएल ने लिख दिया कि ये डायग्नोसिस है, तो जरूरी नहीं है कि वो डायग्नोसिस हो जी। तो ये जरूरी नहीं है कि बीमारी वही हो, ठीक है। कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो अब कल परसों ही एक पेशेंट आया था जिसकी इतनी सारी बीमारियां थी कि पूछो मत, इतनी सारी बीमारियां और ये इतने बड़े बड़े पैर सूजा, 160 किलो का वजन और ये और वो। सो फिर हमारे सामने इतनी पोथी भर के इतने सारे, फिर उसके ऊपर लिटरली उस पेशेंट के साथ एक घंटा लगा है उस पेशेंट के साथ में उसके रिपोर्ट्स देखने में और ये समझने में कि ये सही था ये गलत है ये बकवास है ये कुछ भी लिख दिया, ठीक है। सो फिर वो चीज में मुझे नहीं लगता कि कोई और दुनिया का डॉक्टर उसको इतना टाइम देगा एक घंटा एक पेशेंट पे। तो वो पेशेंट भटकता रहता है यहाँ से वहाँ से वहाँ, उसको बस लेबल कर दिया जाता है तेरे को ये है, तेरा पैर सूजा हुआ एलिफेंटियासिस होगा तो ये होगा वो होगा। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द गेस वर्क विच डॉक्टर्स हैव टू डू और वो कई बार गलत भी हो जाता है। सो ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो डॉक्टर गलत है, मैं ये नहीं बोलूंगा, बस ये है कि दे कई लोगों के पास समय नहीं होता कि इतना समय दें एक एक पेशेंट को। अल्टीमेटली हर डॉक्टर को ना ये देखना जरूरी है कि आप अपने आप को समय दें, अपनी फैमिली को समय दें और पेशेंट को समय दें। कम पेशेंट ले लो भाई, क्या कर लोगे इतने पैसे कमा के।